वैसे डायनासोर के भी नहीं होते इतने तो। चल और जा ये घर लेके चला जा। बड़ा मजा आया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आ चुका हूँ विशाखापट्टनम एक खूबसूरत स्टेडियम में जिसका नाम है डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आप सभी को पता है यहाँ पर रिसेंटली अभी जो प्रीवियस मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें इंडिया बहुत बुरी तरह हारी थी, 118 रन पर ऑल आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने 121 रन बना दिए थे बिना कोई विकेट खोए, तो 10 विकेट से जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया। और अभी जो हमारा मैच होने वाला, हमारा मतलब सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग जो होने वाली है लास्ट वीक है, जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल का मैच होने वाला है, जिसमें सेमीफाइनल होगा फ्राइडे को जो कि है और सैटरडे को होगा फाइनल मैच। तो इस बार सैटरडे संडे नहीं, फ्राइडे सैटरडे है, संडे को हमारी रिटर्न वापसी घर वापस चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। और आप देखना सेलिब्रिटी का मैच जो कि फ्राइडे सैटरडे होने वाला है 2:30 बजे और 7 बजे, जो फाइनल मैच होगा शाम को 7 बजे। तो देखना, अभी चलते हैं बीसीआर रूम में, लेकिन उससे पहले भाई स्टेडियम का खूबसूरत लुक देखो, देखो ये नज़ारा। Artlist.io इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2023, इसमें कौन कौन था? अजीत अकगर, दीपदास गुप्ता, मिचेल जॉनसन भी था, मुरली कार्तिक, ये तो बेकार है, संजय मंजरेकर, संजय मंजरेकर। देखो 11:45 पर पेश रिपोर्ट, 12 बजे प्री मैच इंटरव्यू कार्तिक दास गुप्ता और 12:15 पे वॉइस ओपनर ही क्या है मंजरेकर का, ऑडियो डालते ना वो वेलकम हो रही है। अच्छा व्यू 12:30 पे स्टार्ट टू वे, ये क्या मतलब हुआ? आपस में डिस्कशन। 1 बजे टॉस कार्तिक, क्लोज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन मंजरेकर, अवार्ड पता नहीं क्या लिखा पढ़ा नहीं आ रहा। दास गुप्ता इनका सही है यार, 50 ओवर तक का देख, 107, अच्छा 107 करेगा मंजरेकर को हटा के, कार्तिक ऊपर आ गया, मंजरेकर नीचे चला गया, 3:44 वाह सही है यार, 72 तो रहे। फ्लैश इंटरव्यू कार्तिक लेगा सारे, ठीक है चलो खत्म कहानी, ये है पूरा। और हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में 5-5 ओवर का तो भाई तू करेगा हमारे में लड़ाई हो जाती। ओडीआई मैच नंबर 3060 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। अच्छा पूरा स्कोर लिखा हुआ है इन्होंने, देख रहा है इंडिया ने 50 ओवर में 321/6 वेस्ट इंडीज ने तो ड्रॉ हो गया था भाई जी, तो मैच टाइड, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली 157 बनाए थे इसने इसमें। अच्छा इसमें इसकी कप्तान थी ना विराट कोहली की, 3437 वाह इतने मैच हो भी सके, ये तो धोनी है, धोनी ने 288/7 इसमें वेस्ट इंडीज, फिर वेस्ट इंडीज जीत गई था क्या इनका, फिर न्यूजीलैंड के साथ में ले, इसमें तो न्यूजीलैंड का मैया बजट कर दिया ना, 79 पे ऑल आउट, 190 रनों से जीता है इंडिया ने ये श्रीलंका, ये श्रीलंका तो हार गई होगी इसमें यार, 8 विकेट से हरा दिया। फिर वेस्ट इंडीज सहवाग कैप्टन रह चुका है, अरे हाँ उसमें देखा था ना कैप्टन ऑफ इंडिया कैप्टन में जोधपुर में, इसमें कितनी जीती थी 5 विकेट से, फिर 117 रन बनाए कोहली ने, रोहित शर्मा ने 159 मैच नंबर देगा, मैच नंबर 5 4222 वाह कितना स्कोर बनाया इन्होंने, 387/5 107 रन उनसे जीती है, वो 43 ओवर में ही आउट हो गए भाई, इतने मैच हो सके 4222 क्या इसमें भी कुछ लिखा है क्या वाईफाई पासवर्ड। ये सारा है कमेंट्री रूप, लेकिन काफी पास है, बढ़िया शीशे भी साफ सुथरे से लगे हुए, लेकिन ये काफी बड़ा दे दिया इस बार
नहीं तो वह छोटा ही होता है जितना, बहुत काफी बड़ा हो गया ये, हमें फूले नहीं समा रहा है। हम तो कह रहे हैं भाई यही सो जाए, मैं तो कह रहा हूँ रूम हमें यही दे दो, होटल की जरूरत तो नहीं हमें। बढ़िया है इधर, क्या है भाई इधर भी तो देख मैच। अरे 2-2, 3-5 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये टेस्ट मैच हुआ था इधर, फर्स्ट इनिंग्स में 455 इंग्लैंड ने बनाए, 255 इंडिया ने मारे, 204 इंग्लैंड ने मारे, 157 रिजल्ट हो गया 246 रन पे से जीत गई इंडिया। ये 2-3-6-3 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वाह फिर इंडिया जीत गए 203 रनों से। इधर ये रीजनल है और इधर से देखें ये कुछ नहीं है, ये वीआईपी एरिया है। यहां से देखो ग्राउंड का व्यू मजेदार शानदार, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया लेकिन भाई इधर से भी व्यू देख काफी मजेदार है। बिना मतलब का शूटिंग सही चल रही है। ये अपना आप ही करे यार, कुछ मिल नहीं रहा प्रैक्टिस। ये शूटिंग वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं जोधपुर वाली। हम ऊपर गए थे चले, तो हम तो बाहर ही थे डायरेक्टर सर के पास में, वो भी तो बाहर खड़े हैं मैच देख रहे हो बाहर खड़े होके, जो इनका बच्चों को चल रहा है अभी तो सब कुछ काम चल रहा है। अरे फैक्ट चेक होगा भाई शाम को 7 बजे। अभी कैमरा सर भी इस समय है, कैमरा तो अभी लग रहा है, ये पूरा ईवीएस का है, कितने 1, 2, 3 जरूर सब कुछ डालेंगे। ये ऑडियो का, ये वर्चुअल ग्राफिक्स आ गया, अभी तो काम ही चल रहा है भाई। ये अपना है यहाँ पर एक सिस्टम और लगेगा, मॉनिटर और लगेगा, सिस्टम तो लगेगा, तीन वहाँ के लिए लगा रहे रीजनल के लिए, सारे रीजनल सारे तेलुगु कन्नड़ इस चैनल पे हमारा आता है देख लो जी अनमोल, अभी तो ये कुछ और ही आ रहा है। अभी तो ये आ रहा है काम ही काम है, काम ही काम। ये लग रही है ब्रांडिंग वैंकी, ये वैंकी जो है ये भाई का स्पॉन्सर है, भाई का खुद का है ये ब्रांड वैंकी। ये हैप्पी हैप्पी पार्ले हैप्पी हैप्पी, ये ID247 न्यूज, ये यहीं का होगा। और ये जो ये मेरे ख्याल तेलुगु का है वसावी, और ये 1-2-3 कमी, तो ये सब ब्रांडिंग लग रही है इधर बाउंड्री पे ये लगा रहे। ये पूरा ऐसे जाएगी पूरे पे, सब पे बाउंड्री होगी। और ये जो है ये डिजिटल वाली स्क्रीन है जिसपे मतलब बार बार स्क्रीन चेंज होती है, ये पूरा ऐसे है, तो ये भी पूरा गोल चक्कर में जाएगी। ये कल वाले मैच के लिए पिच तैयार हो रही है। रस्सी सा खींच रहे हैं प्रकृति, एक प्रकृति था, एक कौन सा था अपना एंड याद है? ये तो प्रकृति एंड हो गया ना, ये वाला एंड, ये तेरा ये तो नियर एंड हो गया, नियर एंड पे हमें आ रहा प्रकृति, दूसरा सीएम आ रहा रस्सी से खींचा रहा दो। इधर बंदे कैसे, ये बंदे चढ़े कैसे यार इधर, ये मेरे फोन में तो ऐसे वीडियो बनाने वाला चिल्को बने नजर आ रहे। देखियो पिक्सेलिटी हो गया, चिल्को भी नजर आ रहे हैं यहाँ से, चढ़े कैसे है मेरे को तो ये जानना। हर जगह काम ही काम चल रहा है भाई। वैसे ग्राउंड देखे मैंने जाए तो ग्राउंड तो सही है यार देखने में, तो वीडियो में ठीक आ रहा है। आ जाओ कुछ बोल लो, बोल लो।
सुपर फाइनल्स सीसीएल मैचेस लेट्स मेक इट फाइनल्स टुडे विद भोजपुरी विद तेलुगु टीम हां हु विल विन इट लेट्स वॉच एंड वेट वेयर इन वाइजैक नी वेयर हैव टू वॉच लाइव लाइव ब्रॉडकास्ट लाइव ब्रॉडकास्ट वेयर वेयर व्हिच चैनल ये हमारे ये हमारे फ्लोर मैनेजर पता कुछ नहीं है उसको एडिट कर दूंगा एडिट नहीं होगा ऐसे डालेगा ये मैं नहीं हो रहा क्रिकेट स्टेडियम में जुगनू उतर आए मानिए ये बुखेरा इफेक्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है खास करता हूँ जब ये तारे लग रहे हो ग्राउंड में तारे और ग्राउंड के अंदर सितारे क्या माहौल बनाया है ये है सीसीएल का फाइनल हर एक टॉर्च लाइट उम्मीद ही तो है सचिन आपकी बारी हुई है मारा और ये सिंगल लिया और ये भागने की कोशिश को बच्चे सिंगल ही आया यार यस बिल्कुल कराओ यार ये देरी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी सिर्फ इनकी कितने रन की लीड हो गई यार 26 रन की लीड हो गई 40 रन बनाने को मिलेंगे इनको कत्ता ही और 41 का टारगेट देंगे ये कुछ वन टीम वन ड्रीम तेलुगु वॉरियर्स विक्ट्री पूरे लोग उतर गए ग्राउंड में पे विक्ट्री लैप शुरू हो चुकी है पेल के मारे कहने का मौका मिल चुका है अखिला किरीनी को विजेता बनकर जिसके इंतजार में आज लोग ग्राउंड में दर्शक मौजूद थे लाल झंडे को लहराने के लिए अखिला किरीनी को नजदीक खिलाड़ी